हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स को कैसे बहुत अच्छा दिखा सकते हो, उन्हें मेंटेन करके रख सकते हो, उनका कवर को बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल पे बना सकते हैं। कोई नहीं गाइस, सिंपल ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल बस एक ऐप इसमें यूज होगा। तो गाइस, पढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, उनको मैं बता दूँ ये स्टोरी हाईलाइट होता क्या है जिन बंदों को नहीं पता। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हम इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज है उन्हें 24 आवर्स तक रख सकते हैं। अगर आप उन्हें लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए रखना चाहते हैं कि बंदा आए आपकी प्रोफाइल पर और वो स्टोरीज को चेकआउट करे, तो आप उसका एक हाईलाइट कवर बना सकते हैं। तो हाईलाइट कवर में हमें दो चीज़ों की मेन जरूरत होती है उसे अच्छा बनाने के लिए। एक तो उसका वो नाम और वो कलर, यानी कि जिस डिज़ाइन का आप बना रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उसके एग्जांपल के लिए मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर ले चलता हूँ एक ब्रांड का दिखाने के लिए कि उन्होंने किस टाइप से मेंटेन करके रख रखा है। तो गाइस, जैसा आप सिंपली देख पा रहे होंगे, इस टाइम अमेज़न प्राइम का मैंने ये पेज खोल रखा है आपको दिखाने के लिए। तो आपको इनकी स्टोरीज के हाइलाइट दिख रहे होंगे और उनके कवर भी दिख रहे होंगे। तो इन्होंने किस टाइप से मेंटेन कर रखे हैं आपको दिख रहा होगा। इन्होंने ब्लैक ब्लू डार्क कॉम्बिनेशन ले रखा है अपने इसके लिए। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, इन्होंने वॉच लिस्ट, आफ्टर एनिमेशन, अमेज़न एनिमेशन, टैप हेयर, लॉग, बहुत सारी हाइलाइट्स बना रखी हैं आपके लिए कि आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे तो इनसे जाके जरूर अट्रैक्टिव होंगे और जाके इन्हें जरूर चेकआउट भी कर लेंगे। तो इन्होंने एक पूरा कलर थीम एक सेट कर रखा है, इन्होंने एक कलर सेलेक्ट कर रखा है ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन, ऊपर इनकी जो आप प्रोफाइल देख पा रहे होंगे उससे मिलता जुलता है। तो आपको भी गाइस इसी टाइप से कुछ बनाना है, से कुछ क्रिएट करना है अपना हाईलाइट कवर जो आपकी क्या कहते हैं प्रोफाइल के साथ कॉम्बाइन या फिर मैच हो। आप दो कलर चूज कर सकते हैं या फिर एक कलर के साथ उसे बना सकते हैं। गाइस, मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ हाईलाइट कवर करने से पहले कि मैंने किस टाइप की हाईलाइट बना रखी है, क्योंकि मैं आपको जो करके दिखाने वाला हूँ वो अपने हाईलाइट कवर में ही एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, सिंपली चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसमें आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगी मेरी ये सारी जिसे क्या कहते हैं हाइलाइट्स कवर, जिसमें आप देख भी पा रहे होंगे अलग अलग है। यूट्यूब वीडियोस का अलग हाईलाइट कवर है, गैजेट का अलग है, ड्राइंग्स का अलग है, मूवीज़ का अलग है, ये तो बंद हो चुका है, एडिट्स का अलग है, सारी चीज़ों का अलग अलग है। पर हमें क्या करना है, सेम बनाना है, अलग अलग नहीं रखना है, ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। ये मैंने गलती करी थी इसलिए आप ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइस, जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है जल्दी जल्दी कर लो फटाफट, मैं वहाँ पे डेली डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, मैं कौन कौन सी वीडियो डालने वाला हूँ उससे रिलेटेड भी अब से मैं कंटिन्यू करूँगा इंस्टाग्राम पर अपने। तो नीचे लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, जल्दी से फटाफट फॉलो कर लो। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने मेन ऐप की तरफ जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जिससे आप हाईलाइट बना सकते हैं बहुत ही अच्छी वो भी। तो गाइस, जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन है गाइस कैनवा एप्लीकेशन। उससे रिलेटेड मैंने दो तीन वीडियो और बना रखे हैं, अगर आपको वो भी जाके चेकआउट करने तो आप ऊपर जाके आई बटन पर जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, और अगर आपका इंस्टॉल नहीं है कैनवा तो आप वहाँ जाके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैं उस चीज़ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आपको सिंपली साइन इन करने के बाद जाना है अपने कैनवा एप्लीकेशन में, वहाँ पर कुछ प्लस का बटन शो हो रहा होगा आपको, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और वहाँ पर डालना है इंस्टाग्राम स्टोरीज। एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आपके सामने खुल के आ जाएगा, उसके बाद आपको जाना है एलिमेंट्स में और वहाँ पर जाना है आपको शेप्स, शेप में आप राउंड, ट्राइंगल, बहुत सारी शेप्स आ रही होंगी, तो हमें सर्कल चूज़ करनी है अपने इंस्टाग्राम हाईलाइट के लिए। तो हम उसे चूज़ करेंगे, उसके बाद हमें उसका कलर चूज़ कर लेना है। तो गाइस, जैसे मैं रख लेता हूँ एक ब्लैक कलर हमने चूज़ कर लिया है, और इसका आप साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको रखना है। उस हिसाब से रखने के बाद आपको फिर प्लस वाले बटन पर क्लिक करके एलिमेंट्स पर जाना है, और उसके बाद वहाँ पर जैसे मैं आपको स्टोरी हाईलाइट बना के दिखा रहा हूँ जैसे उसकी क्या कहते हैं यूट्यूब की, तो हमें वहाँ जाके फोटोज़ में आके सर्च करना है, सॉरी उसमें एलिमेंट्स में यूट्यूब की, हम यूट्यूब का लोगो जैसे ले लेते हैं, यहीं से मेरे रिसेंट्स में पड़ा है, और इसके बाद यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं इस टाइप से कुछ, इसे आप छोटा बड़ा जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपली गाइस ये हो गया, पर हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, प्रिपेयर योर डिज़ाइन और इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसा आपने देख लिया कि हमने वो स्टोरी हाईलाइट क्रिएट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाके सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप जिस हाईलाइट स्टोरी पे आपको वो लगाना है तो उस पर आपको जाके लॉन्ग प्रेस करना है, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे एडिट हाईलाइट, डिलीट, कॉपी लिंक, शेयर, तो हमें जाना है एडिट हाईलाइट्स पे, ये लोडिंग लेगा, उसके बाद ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको एडिट कवर का, तो सिंपली आपको एडिट कवर के ऑप्शन पर यहाँ गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली आपको वाला आपका हाईलाइट कवर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसे सिंपली इस टाइप से नेक्स्ट करके लगा लेना है प्रोसेसिंग, और ये डन। तो गाइस, आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा, ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो मैंने लगा रखा था। अब इसमें पता भी पड़ रहा है प्रॉपर कि यूट्यूब की हाईलाइट स्टोरी है,
तो इसे आप इसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव हैं इन सब चीज़ों में। पर आपको अगर दिक्कत आ रही है ऐसी चीज़ें बनाने में, तो आपको अगर बनी बनाई चीज़ें चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको ले चलता हूँ कैनवा एप्लीकेशन में दोबारा से। गाइस जैसे ही आप अपने कैनवा एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे तो ऊपर सर्च में आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे बने बनाए स्टोरी हाईलाइट देखने को मिल जाए, लाइक जिम प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फटाफट फटाफट आपको एक डिज़ाइंस दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। गाइस ये हो गई वो कुछ डिज़ाइंस जो आप अपने इंस्टाग्राम हाईलाइट की स्टोरीज पर लगा सकते हो। अगर अगर आपको इसमें कोई सी भी इंस्टाग्राम की स्टोरी का हाईलाइट पसंद आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम ये कर लेते हैं आर्ट टिप्स वाली के ऊपर, सिंपली क्लिक करने के बाद जैसे मैंने अपनी वो पहले वाली सेव करी उस पर क्लिक करना है, ऊपर जाना है डाउनलोड के बटन पर और सिंपली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस गाइस आज इस वीडियो में इतना ही था। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, बिना बिल्कुल मत जाना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।